दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं YT स्टूडियो के नए अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें तो कल यानी कि 8 मार्च 2021 को YT स्टूडियो में एक नया अपडेट आया है, जहाँ कि आप लोगों को अगर आप जाके देख रहे होगे तो आपका वॉच टाइम वहाँ पे एकदम जीरो दिख रहा होगा। कहने का मतलब है काफ़ी सारे वीडियो के सामने आपको 1, 2 या 3, 4 नज़र आता होगा और काफ़ी सारे वीडियो के आगे आपको जीरो वहाँ पे वॉच टाइम दिख रहा होगा। ऐसे में आपको भी लग रहा होगा कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है यूट्यूब पर। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। उससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहे। दोस्तों एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, एक नया अपडेट आया है, उसके अकॉर्डिंग YT स्टूडियो में अब मिनट की जगह हमें घंटों में वॉच टाइम्स दिखेगा। कहने का मतलब है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं या 2 घंटे के अंदर 120 मिनट होते हैं, तो पहले हमें वहाँ पर 120 मिनट या 60 मिनट शो होते थे, लेकिन अब वहाँ पर हमें 120 मिनट या 60 मिनट की जगह हमें 1 या 2 घंटे शो होंगे। कहने का मतलब है अगर 60 मिनट हमारा कोई वीडियो देखा गया तो वहाँ पर हमें 1 घंटा शो होगा, मतलब 1 लिखा होगा। अगर 2 घंटे देखा गया है तो वहाँ पे 200 होगा, ना कि 120 मिनट। तो सिंपल सा तरीका है, हम आपको स्क्रीन पे ले जाके YT स्टूडियो के बारे में सारी चीज़ें दिखाते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने से प्यार भरे कमेंट छोड़ जाना। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए, अब हम सिंपली अपने फ़ोन के अंदर YT स्टूडियो ओपन करते हैं। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद मैं आपको अपने इस YT स्टूडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि वॉच टाइम का क्या सीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट वीडियो है मेरा, जो सबसे टॉप पे है, 29 व्यूज है, 25 व्यूज और इसके ऊपर 0 वॉच टाइम है। दोस्तों ये 0 नहीं, यहाँ पर मैं आपको अपने वीडियोस के अंदर सारी लिस्ट के अंदर ले जाके एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिले हैं। दोस्तों उसके अंदर मुझे 5 घंटे का वॉच टाइम मिला है उस वीडियो से। तो वहाँ पे सीन कैसा है कुछ आपको भी देखने के बाद समझ आएगा। देखो ये फ़ोन रिसीव करने के बाद कॉन्टेक्ट कैसे वापस रिकवर करते हैं, ये एक वीडियो है। यहाँ पर 213 व्यूज़ आ रखे है और नीचे वॉच टाइम देखोगे तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहा होगा, ठीक है। ये 5 मिनट नहीं है दोस्तों, 5 घंटे हैं। ये एक बहुत बदलाव किया गया YT स्टूडियो के अंदर, नया अपडेट दिया गया है कि पहले मिनट शो करते थे, अब घंटे शो करेंगे। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपके मोबाइल के अंदर किसी वीडियो के सामने 1 वॉच टाइम लिखा है तो इसका मतलब है कि उस वीडियो के ऊपर आपको 1 घंटे का वॉच टाइम मिला, ना कि 1 मिनट का। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, अब हमें मिनट की जगह घंटे के अंदर शो होगा वॉच टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 वॉच टाइम। 0 का मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे नहीं मिला वॉच टाइम, जब 1 घंटा कंप्लीट होगा तो वहाँ पे 0 ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है हालाँकि। और मैं आपको अगर अपने लास्ट 28 डे की बात करूँ तो मुझे 61 घंटे मिले हैं अपने वीडियोज़ के ऊपर से। और अगर मैं आपको लाइफ टाइम की बात करूँ, मतलब लाइफ टाइम मुझे कितने आवर्स मिले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लास्ट 28 डेज में 61 है, लाइफ टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो 1182 वॉच टाइम मुझे मिला। तो दोस्तों ये एक बदलाव है, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे अब वॉच टाइम मिनटों में नहीं घंटों में शो होगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बना रखना। इसी तरीके से नए अपडेट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।